गाइस इंजेक्शन जिसके नाम से ही शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाइस आपका सामना भी इंजेक्शन से कभी ना कभी तो हुआ होगा गाइस, और ना भी हुआ हो तो आपने डॉक्टर या नर्स को किसी ना किसी को इंजेक्शन लगाते हुए जरूर देखा होगा गाइस। साथ ही साथ आपने गौर किया होगा कि जब वो किसी मरीज को इंजेक्शन लगाया जाता है तो लगाने से पहले सिरेंज से थोड़ी दवाई बाहर निकाल देते हैं गाइस। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को ये पता हो कि ऐसा क्यों किया जाता है गाइस। अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बताता हूँ कि इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देने से इंजेक्शन सिरेंज में दवाई भरते समय जो हवा के बुलबुले बन जाते हैं उन्हें बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है। अगर सिरेंज में हवा के इन बुलबुलों को नहीं निकाला गया तो ये बुलबुले मरीज के लिए घातक साबित हो सकते हैं। और गाइस अब हम आपको बताते हैं कि अगर गलती से पानी भरा इंजेक्शन लगा दिया जाए तो आपको क्या होगा गाइस। इसका आंसर भी आपको ज़रूर मिलेगा गाइस। अगर इंजेक्शन सिरेंज में हवा के बुलबुले को बाहर निकाले बिना मरीज को इंजेक्शन लगा दिया जाए तो ये बुलबुले शरीर के रक्त के प्रवाह को ब्लॉक कर सकते हैं गाइस। मेडिकल साइंस में इसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं गाइस। अगर गलती से आपने पानी भरा इंजेक्शन लगा लिया तो क्या होगा आपके साथ गाइस। इसका उत्तर बताने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत से डिसीजेज में डॉक्टर के द्वारा हमारी बॉडी में मेडिसिन को पहुंचाने के लिए इंजेक्शन में मेडिसिन और वाटर दोनों को भरकर हमारी बॉडी पर लगाया जाता है गाइस। लेकिन वो पानी स्टिल वाटर होता है, यानी कि उस पानी में छोटे से छोटे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद ही हमारी बॉडी पर लगाया जाता है गाइस। लेकिन अगर हम गलती से घरों में यूज़ होने वाला पानी या फिल्टर वाटर को इंजेक्शन के द्वारा हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम एक तरीके से बैक्टीरिया को अपनी बॉडी स्ट्रीम में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग डिसीजेज और इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है गाइस। साथ ही साथ अगर ये पानी बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो उससे कहीं ना कहीं हम अपने बॉडी वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, जिससे उसे बम्प करने में हार्ट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगेगी, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं गाइस। सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में हम अपने ब्लड में पानी को इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने बॉडी सेल्स बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं गाइस, जिसके कारण हमारे बॉडी सेल्स धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि मेडिकल लैंग्वेज में एपोप्टोसिस नाम से जाना जाता है गाइस। और इसकी वजह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और ह्यूमन बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। तो आप भूलकर भी ऐसी गलती ना करें गाइस। आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।